लाइफ सिर्फ चीजों के पीछे भागने के लिए नहीं होती, जीने के लिए भी होती है। तो क्यों ना थोड़ा रुक के इस पल को दिल खोल के जी लें। अब ये थोड़ा सा बस्ती यहाँ पे आ गई है, वो देखो ऊपर से सूर्य भगवान ऊपर से निकल रहे हैं। बादल देखिए, बादल काफी ऊंचाई पे सब मकान बने हुए हैं। ये पार्किंग की व्यवस्था यहाँ पे है, माँ पूर्णागिरी यहाँ से शायद हम लोगों को पैदल चलना पड़ेगा। ये पार्क कर रहा है यहाँ पे, गाड़ी पार्क कर दिया है। ये देखिए यहाँ पे लिखा पार्किंग स्थल पूर्णागिरी। स्नान करके आए हो या स्नान करना, आ जाइए फिर खड़ा। तो भाई लोग, हमने भी प्रसाद लिया है माता जी का। हेलो। और विशाल ने भी ले लिया प्रसाद और हम लोग चल रहे हैं ऊपर की ओर। ये देखिए अभी कुछ दूर रास्ता, ये रोड बनी हुई है, उसके बाद 3 किलोमीटर के जीना है। पहले तो हम लोग रास्ते पे चल रहे हैं, फिर उसके बाद 3 किलोमीटर के जीना है जिनको चढ़ के हम लोग को जाना है। ये देखिए बहुत से लोग तो स्टार्टिंग से ही पैदल आते हैं, हालांकि हम लोग तो बाइक से आए हैं, पार्किंग में लगा दी है, बाइक पार्किंग में लगी हुई है। तो हम मेन दरबार में आ गए हैं माता जी के, विशाल चल रहा आगे। अभी समथिंग 500 मीटर दूर होगा। ये देखिए ये नीचे का चल रहे हैं हम लोग ऊपर की ओर। जय माता दी। बहुत ज़्यादा थका लग रहा है लेकिन मज़ा भी आ रहा है, व्यू देखो कितना अच्छा है, एकदम मस्त। ले लो देखिए। तो फाइनली अब हम लोग आ गए हैं माता जी के दरबार में। हम हैं पीछे विशाल साथ में, सामने माता जी का दरबार। देखिए माता जी का दरबार है, आप लोग देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा लाइन है, ज़्यादा भीड़ नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं, आराम से दर्शन होंगे हम लोग के। ऊपर आ गए। ये रास्ता जो आपको दिखा रहा हूँ मैं, इसी रास्ते से हम लोग ऊपर आए थे। आप देख सकते हैं नीचे कितनी दूरी है यहाँ से। सारे बोलो। ये देखिए जय माता दी। मैंने सुन लिया। जय माता दी। आगे वालों। जय माता दी। पीछे वालों। जय माता दी। चाय पीनी है जल्दी वाला। जय माता दी। जय माता दी। चाय याद आ रही है। आंटी ने चाय चाय और माता जी को एक ही मिला दिया। जय माता दी। देखिए तो साफ में दिख रहा होगा आप लोगों को, पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए धुंध दिख रहा है, जो ये इसी को कहो तो बादल कह सकते हो, नीचे से लगता है बादल है, ऊपर ये धुंध दिखती है। ये ठीक है, तो चलते नीचे की ओर। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं काली मंदिर, नीचे उतर गए हैं, नीचे उतर के आए हैं, और सामने रास्ता दिख रहा है पीछे, उस रास्ते से हम लोग आए हुए हैं और अब पहुँचे हैं। ये देखिए पीछे काली मंदिर है, यहाँ पे काली माता जी का मंदिर है, यहाँ पे माता जी के दर्शन करेंगे यहाँ पे पहले चल के हम लोग। जय माता। आप तो देख पा रहे होंगे ऊपर से माता जी को, पता नहीं वॉइस क्लियर आ रही नहीं आ रही, बट मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोग को दिखाने के लिए। ये देखिए हाँ दोस्तों, तो फिर मैं नीचे आ गया हूँ
ये देखिए पीछे गेट है, वहाँ से आ गया हूँ अपनी पार्किंग के पास। ये इधर गाड़ी लगी हुई है, पीछे अपनी बाइक खड़ी है। अब यहाँ से बाइक लेकर अब टनकपुर के लिए जाएंगे, क्योंकि भूख लगी हुई, थोड़ा सा कुछ खाना पीना भी वहीं पे होगा। नहीं भैया ऑनलाइन नहीं है, सब लॉक कर रहे हैं अपना। ये भैया हैं जिनके हमने हेलमेट रखा हुआ था, एक बार हेलो। हाय भाई लोग, भाई लोगों, जय माता की, जय कुणागिरी मैया की। आपका नाम क्या है? प्रमोद कुमार भैया। ठीक है प्रमोद भैया, इन्होंने पूरा इंट्रो दिया था पूरा यहाँ के बारे में सुबह जब हम आए थे, और उसके बाद हम लोग ऊपर गए थे। प्रमोद भैया एज अ गाइड की तरह हैं, और ये कार पार्किंग वगैरह इधर साइड से, उसके बाद ये रास्ता जाने का, इधर इधर वापस जाने का रास्ता है। भैया जी ठीक है, भैया हम लोग हैं लखनऊ से, जानते होंगे मनिया लखनऊ से। एक अनुराग भैया आते रहते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ भैया पुलिस में। अच्छा अच्छा, आते रहते हैं, बहुत मेला आता है लखनऊ से। अच्छा हाँ, नहीं काफ़ी लोग आते हैं, बहुत मेला आता है लखनऊ से, लखनऊ बहराइच टिकट मेला आता है। तो भैया बता रहे हैं कि लखनऊ से काफ़ी लोग आते हैं, हालांकि ऑल इंडिया से आते हैं लोग, फिलहाल तो बहुत आते हैं। हाँ लोकल के बता रहे हैं भैया। हाँ मेला तो यहाँ इतना होता है कि सुबह का गया हुआ यात्री शाम को ही लौटता है। अच्छा, दिन का मेला होता है सरकारी। कब होता है मेला ये? होली वाले दिन से। होली दिन से होता है, स्टार्ट हो जाता है ये होली वाले दिन से होता है, 100 दिन का मेला पूरा। अच्छा सरकारी, यहाँ पुलिस प्रशासन वगैरह सब होता है, पुस्तकालय वगैरह मतलब यहाँ पे सारे इंतजाम रहता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी हाँ कोई भी दिक्कत नहीं आती है, सरकारी सारी सुविधाएं, सारी सुविधाएं मिलती हैं आपको, किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आने में। बाकी कितना कोई धर्मशाला है, ये कार पार्किंग स्थल है जो आपका सरकारी? हाँ ये बता दीजिए, इधर पे सरकारी पार्किंग, ये सरकारी पार्किंग है, यहाँ पे गवर्नमेंट पार्किंग है, ठीक है, धर्मशाला है, यहीं से स्टार्टिंग होती है हम लोग की। जी जी मंदिर की यहीं से स्टार्टिंग है। तो अब हम लोग चलते हैं, साल बाद आया है, हमारी धन्नो रेडी हो चुकी है, ये धन्नो रेडी हो गई है, चलते हैं आगे की ओर, फिर आप लोग से मिलते हैं अगले वीडियो में, खाना वाना खाते हैं यहाँ पे, तो मिलते हैं आपसे, ठीक है जी, ओके। तुम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, हाँ हाँ हाँ, मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं।